नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हेडलाइन 24 में। आज हेडलाइन 24 में है विनोद नाथ जी रतलाम बारे, जिन्होंने नाथ संप्रदाय की एक ऐसा ऐप बनाया है जिसमें नाथ संप्रदाय की तमाम जानकारी उपलब्ध रहेगी। उस ऐप का नाम है आदेश ऐप। हम जानना चाहेंगे क्या है ये आदेश ऐप। सर नमस्कार। आदेश आदेश, ओम शिव गोरक्ष। आदेश ऐप एक ऐसा ऐप है कि जो नाथ समाज संप्रदाय के लिए एक, जिसे हम कह सकते हैं, एक जड़ी बूटी है कि जहाँ नाथ समाज को हम विकास की धारा से जोड़ सकते हैं। ये एक ऐसा एप्लीकेशन है कि जहाँ बच्चों से लेकर वृद्ध समाज के व्यक्ति जो भी हैं वहाँ तक की उनकी सुविधाएं उसके ऊपर उपलब्ध है। जैसे बच्चों को हम शिक्षा देना चाहें कि बच्चों के हमारे नाथ समाज की संस्कृति, सभ्यता, इतिहास, नाथ समाज के नौ नाथों का संग्रह, ये सारी चीज़ें उस एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। वैसे ही चाहे हम पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, चारों दिशाओं की नाथ समाज की हर व्यक्ति की जानकारी उसके ऊपर उपलब्ध हो। यानी कि कुल मिला के कहा जाए तो भारत के 20 करोड़ जनता, अगर माने तो 20 करोड़ जनता के लिए नाथ समाज के लिए एकत्रित संगठित करने का एक सूत्र है। कैसे डाउनलोड करें, कहाँ पर मिलेगा ये? इसको आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है अभी वर्तमान में, तो yogiadesh.com, ये yogiadesh.com मैं अपने मोबाइल के माध्यम से दिखाना चाहूँगा और आपकी स्क्रीन पर भी प्रदर्शित हो रहा है। तो ये क्रोम पर जाना पड़ेगा। इसके लिए क्रोम पर जाने के बाद में मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये क्रोम है। ये क्रोम को जब ओपन करते हैं तो इसके ऊपर yogiadesh.com, मैंने यहाँ ऊपर yogiadesh.com डाला, तो yogiadesh.com मैंने ये डालने के बाद में ये स्क्रीन कुछ इस तरह से प्रदर्शित होती है कि जहाँ हमारे पास में एक फेसबुक की तरह ये खुलती है, लेकिन इसके अंदर जो ऊपर ऑप्शन दे रखे हैं, इस ऑप्शन के अंदर हर चीज़ का एक डिपार्टमेंट, जैसे कि एक मकान बनाया है, उस मकान के अंदर हर चीज़ के लिए एक जगह निर्धारित की गई है, ऐसे ही इसके अंदर एक जगह निर्धारित की गई है। आप इस माध्यम से, इस एप्लीकेशन के माध्यम से अपनी सारी सुविधाएं नाथ समाज की इसके ऊपर उपलब्ध पाएंगे। इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको क्रोम के अंदर ही जब आदेश.com खोलेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि yogiadesh.com हमने खोला, तो यहाँ 3 डॉट्स आ रहे हैं। इस 3 डॉट्स पर जाएंगे, 3 डॉट्स के बाद में आपको यहाँ दिखेगा कि आदेश इंस्टॉल करें, तो यहाँ आदेश पर आप इंस्टॉल करेंगे तो ये एप्लीकेशन आपकी स्क्रीन पर, जैसे व्हाट्सअप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उस तरह से स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा। जहाँ नौ नाथों की, हमारे जो नौ नाथ जी हैं उनकी तस्वीर के साथ में आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। फिर उसके बाद में आपको इसके अंदर इंटर करना पड़ेगा। अब इंटर के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि हमारा पूरा बायोडाटा, जैसे कि हमारा नाम, पता, गोत्र, विधानसभा, लोकसभा, पंथ, डेट ऑफ बर्थ, जीमेल आईडी, और आपको पासवर्ड अपना खुद का बनाना है। इसके अलावा हमने इसके ऊपर कोई भी शासकीय, ना कोई आधार कार्ड लिया है, ना कोई पैन कार्ड लिया है, कि जिससे व्यक्ति को डर हो, कहीं खतरा हो कि भैया हमारी चीज़ इसके ऊपर गलत चीज़ चली जाएगी या कुछ चला जाएगा तो हमारा पैसा चला जाएगा, ऐसी कोई सी चीज़, मतलब व्यक्ति को कहीं से कहीं तक डाउट ही नहीं, मतलब मन में कोई शंका ही नहीं कि हमारा कोई डाटा मोबाइल से जा सकता है। कैसा ख्याल आया ये आदेश ऐप बनाने का? ये आदेश, इसको बनाने का मेरा जो ख्याल आया, मेरा जो विचार आया, ये विचार मुझे एक बच्चे ने दिए हैं, छोटे बच्चे ने। वो बच्चे ने ऐसे दिए कि मेरे बच्चों के अंदर मैंने संस्कार जब देखे, उन बच्चों से मैंने पूछा कि बेटा आपका नाम क्या है, तो उन्होंने नाम बताया। जैसे कि मैं अपना नाम बता देता हूँ कि विनोद नाथ जी। तो फिर आगे पूछा कि बेटा पूरा नाम क्या है, तो फिर मैंने वही बात रिपीट कर दी बच्चे ने कि विनोद नाथ योगी। अच्छा, मैंने ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैंने तीसरा सवाल किया, मैंने बेटा आपकी गोत्र क्या है, तो बच्चे ने गोत्र का जवाब नहीं दे पाया कि मुझे गोत्र नहीं पता। फिर चौथा सवाल पूछा मैंने, बेटा पंथ क्या है अपना, तो उसको पता नहीं। फिर मैंने ऐसे ही उससे सवाल है, दादाजी की पुण्यतिथि क्या है, तो मुझे नहीं पता। जब हम दादाजी की पुण्यतिथि हमें नहीं पता है, हम सेकंड स्टेप पे खड़े हैं, और ये इतनी चीज़ें जो नॉर्मली व्यक्ति को हमें जानकारी पता होनी चाहिए, बच्चे को भी पता होनी चाहिए। यहाँ तक कि अभी वर्तमान की कंडीशन में 2 दिन पहले मिला था एक अपने ही भोपाल में, हमारे भाई के यहाँ, तो कम से कम 70 वर्ष की उम्र के वृद्धजन व्यक्ति थे, उनसे ये बातें पूछी गई, उनको भी नहीं पता चली। तो फिर तो हम आने वाले समय में हम तो नाथ खत्म होने की कगार। इस ऐप में सारी जानकारी उपलब्ध, इस ऐप में
नाथ संप्रदाय की नाथ समाज की हर वो जानकारी उपलब्ध मिलेगी जो हमारे नाथ समाज को विकास की धारा है। आज वर्तमान में जैसे कि हमारे दर्शक आपके प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, आपके माध्यम से देख रहे हैं, वो दर्शक भी अगर अपनी बात अगर उस पर रखना चाहे तो भारत का हम मान ले 20 करोड़ जनता है तो 20 करोड़ जनता उसको देखेगी। यानी कि क्या संतोष नाजी आज हमारे पत्रकार महोदय आज अगर यहाँ से आपको इसी चीज डाली जैसे कि आज ये आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से वीडियो बन रहा है, ये वीडियो अगर हम उस प्लेटफॉर्म पर डालते हैं तो 20 करोड़ व्यक्ति उस प्लेटफॉर्म पर यानी कि नाथ समाज का हर व्यक्ति उस चीज को देख सकता है। अभी आप भारत भ्रमण पर भी गए निकले हैं, आप दिल्ली गए, बहुत सारे कार्यक्रम गए, क्या रिस्पॉन्स मिला आपको समाज के लोगों से? देखो समाज से मुझे रिस्पॉन्स तो बहुत ना के बराबर मिला है, लेकिन जहाँ मिला है जो बुद्धिजीवी लोग थे जिन लोगों ने समाज के प्रति जहाँ उनके अंदर मन में उनके भी चल रही कि भैया हमारे समाज खत्म होने की कगार पर है, अगर से देखे जाए तो आज हम देखें तो यूपी में देख लें, दिल्ली में देख लें, जो हर कोई कह रहा है कि मैं चेतना उपाध्याय मंच है, फलाना मंच है, ये मंच है, वो मंच है, सब अपने को इस नाथ समाज से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि नाथ तो वो है कि अगर कहीं पर जा रहे हैं तो हम कहेंगे हे नाथ दया करुणा कहते हैं। सर क्या वजह थी प्राचीन संप्रदाय आदिकाल से नाथ संप्रदाय इस भारत भूमि पर है, ये आज पिछड़ती नजर आई, क्या वजह रही? ये पिछड़ती हुई नजर ऐसे आ रही है क्योंकि हमारे घर के अंदर मुखिया बहुत है। क्या है? मुखिया बहुत है। अब वो मुखिया को अपनी अपनी सिर्फ रोटी सेकनी है। तो उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा मैं आपको, सन 1969 में पहले संगठन की स्थापना हुई थी नाथ समाज की, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आज में देखें तो राधेश्याम भारद्वाज जी हैं, आपको पता होगा। आज उनकी उम्र कम से कम 70-75 वर्ष से ऊपर की हो चुकी है, लेकिन आज भी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं वहां पर। सर आपने बीड़ा उठा सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष मंच पे लाने का क्या? जी हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इस मंच के माध्यम से भारत के मैं सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों से निवेदन कर रहा हूँ, और मेरा निवेदन 29 दिसंबर को मैंने एक बार किया था और दूसरा आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से करना चाहूंगा मैं, कि भारत के सभी राष्ट्रीय संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम एक मंच कहते हैं कि एक मंच पे आए हम, लेकिन एक मंच ऐसा कोई बना नहीं था, लेकिन एक मंच आदेश एक ऐसा बना हुआ है कि जब भारत के हर नाथ समाज का व्यक्ति इस जगह आए और हम इस मंच को हम संचालित करते हैं और एक हम गवर्नमेंट बॉडी बनाते हैं, एक कोर कमेटी बनाते हैं और भारत के सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलकर इस एप्लीकेशन को संचालित करते हैं। ये कोई मेरा नहीं है, ये हमारा सबका एप्लीकेशन। एक बड़ा सवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेशों में भी बहुत सारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, ग्रामीण प्रदेश अध्यक्ष बराबर है, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए जो हमारी गवर्नमेंट बॉडी और जो कोर कमेटी बनाएगी, वो कोर कमेटी और गवर्नमेंट बॉडी जो रहेगी वो उसको संचालित करेगी। जितने भी प्रदेश के जैसे प्रदेश अध्यक्ष हैं, अब हमारे यहाँ देखें तो बहुत सारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उन प्रदेश अध्यक्षों को भी एक एक डिपार्टमेंट दे दिया जाए। जैसे कि हमारी इस एप्लीकेशन पे शिक्षा संबंधित, हमारा इतिहास, भूतपूर्व सीनियर सिटीजन हेल्प, योग, यंत्र मंत्र तंत्र, शिक्षा, न्यूज पैनल, इसके अंदर इतनी सुविधाएं हैं कि मैं अभी पूरी बताना चाहूंगा तो हमारे पास समय नहीं बचेगा। इतनी सुविधाएं हमारे नाथ समाज की है कि उसके ऊपर नाथ समाज अगर उसके अंदर गया तो साम्राज्य की तरह खड़ा है। जो एक इतना बड़ा महल है कि जहाँ उस महल में हमें सारी चीजें उपलब्ध मिलेगी वहाँ पर आपको। सर हम बात करें नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय तंत्र मंत्र विद्या में महाराष्ट्र प्रबंध था, तंत्र मंत्र में बात करें तो वो सर्वेष्ठ माना जाता था, तो गुरु लोकनाथ जी को शिष्य माने जाते थे, तो क्या आज वो परंपरा खत्म होती नजर आ रही? बिल्कुल खत्म होती नजर आ रही। उसी को संचालित करने के लिए मंच बनाया है कि वो हमारी सभ्यता। अब देखिए मैं कुछ बड़े बुजुर्गों के बीच में गया था, उनका आशीर्वाद प्राप्त मिला मुझे, तो उनका भी कहना है कि बेटा हमारे पास कुछ शिक्षा बची हुई है, कुछ तो खत्म हो चुकी है, अगर हम भी चले गए तो हमारे पास फिर कुछ बचेगा ही नहीं, तो बेटा मैं चाहता हूँ कि ये शिक्षा आप ले लो। तो मैंने उनसे फिर वो शिक्षा ली और यंत्र मंत्र तंत्र योग साधना जितनी भी चीजें हैं वो मैंने इसके ऊपर डालने की कोशिश की है। सर आदेश एक में आप जैसे तंत्र मंत्र शिक्षा डालेंगे जिनको अन्य समाज के लोग ज्ञान करके? नहीं, उसके अंदर नाथ समाज के अलावा उसके अंदर कोई नहीं जा सकता, क्योंकि ये एक जैसे प्रशासन अपने हर विभाग की एक आईडी और पासवर्ड बनाता है, ऐसे ही इसके अंदर हर व्यक्ति का एक आईडी और पासवर्ड है पूरी पारदर्शिता के साथ, कि नाथ समाज का बच्चा ही उसके अंदर देख सकता है और नाथ समाज का ही बच्चा उसके अंदर रह सकता है, अन्यथा उसके अंदर कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ थे
रतलाम से विनोद नाथ जी जिन्होंने नाथ संप्रदाय के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया और आदेश ऐप संचालित किया है। इस ऐप में नाथ संप्रदाय तमाम गतिविधियाँ सम्मिलित होती, चाहे हम तंत्र मंत्र की बात करें, चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे पारिवारिक संबंध की बात करें, सारी सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेगी। और जो नाथ संप्रदाय अपना अस्तित्व प्रतिदिन खोती हुई नजर आ रही, अब नाथ संप्रदाय में नई चेतना की उम्मीद नजर आ रही है। विनोद नाथ जी का ये पहल वास्तव में नाथ संप्रदाय के लिए एक ऐतिहासिक पहल के रूप में साबित होगी। देखते रहिए हेडलाइन 24, हम तमाम जानकारी आपको उपलब्ध कराते रहेंगे।